नमस्कार दोस्तों, आज हम एडवर्थी पार्क में आए हैं जो कैलगरी के अंदर डाउनटाउन के करीब है। ये हमारी दोस्त हैं जो आपको हेलो कह रही हैं। जिस ब्रिज के ऊपर ये खड़ी हैं, ये ब्रिज बो रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये ब्रिज इस पार्क को नॉर्थ साउथ दोनों तरफ से कनेक्ट करता है। इस पार्क में दो पार्किंग लॉट्स हैं, एक नॉर्थ की तरफ है और एक साउथ की तरफ है। बहुत ही खूबसूरत पार्क। अभी सभी जगह ये बर्फ़ गिरी हुई है, तो आप देख रहे होंगे कि पूरी धरती ऐसे लग रहा है जैसे सफ़ेद चादर से ढक दी गई हो। ये एंजल कैफ़े हैं जहाँ पे आप सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में कॉफ़ी और आइसक्रीम का आनंद उठा सकते हैं। पास ही में रेस्ट रूम बना हुआ है। इस ब्रिज पे खड़े होके आप डाउनटाउन का भी नज़ारा देख सकते हैं। रात के समय यहाँ खड़े होके डाउनटाउन की लाइटिंग देखना बहुत ही आनंदमय लगता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी सभी जगह पूरी बर्फ की चादर फैली हुई है जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। आज वेदर अच्छा है। टेम्परेचर 2 डिग्री के आसपास है और धूप भी खिली है, तो नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी हमारे साथी गण हैं जो आज हमारे साथ ही पार्क की सैर करने आए हैं। सभी सभी लोग आपको हेलो कर रहे हैं। पार्क में काफ़ी सारी वॉकिंग ट्रेल्स हैं जो सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में खुली रहती हैं। आप परिवार के साथ आएं, बच्चों को साथ लेकर आएं। और यहाँ पे वॉक करने का आनंद उठाएं। पास ही में बच्चों का प्लेग्राउंड भी बना हुआ है। छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स वगैरह, झूले वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत पार्क। इस पार्क के अंदर पिकनिक टेबल्स भी हैं, बेंचेस हैं, फायरप्लेस हैं, बारबेक्यू स्टैंड हैं, पिकनिक शेल्टर्स हैं, पिकनिक एरियाज बने हुए हैं, प्लेग्राउंड है। पूरे परिवार के साथ आएं यहाँ पे और पूरा दिन आप यहाँ पे व्यतीत करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा माना जाता है कि एक समय में ये जो जगह है वो कॉकरेन रेंच के साथ हुआ करती थी, जहाँ से बाद में थॉमस एडवर्थी नाम के व्यक्ति ने 1883 में इसे ख़रीदा और उनसे 1962 में कैलगरी सिटी ने इसे पार्क बनाने के लिए ख़रीद लिया और यहाँ पे इस पार्क का निर्माण किया गया। इसीलिए आज भी इस पार्क का नाम एडवर्थी है और लोग इसको एडवर्थी पार्क के नाम से जानते हैं।
काफ़ी बड़ा पार्क है, खूबसूरत पार्क है, गर्मियों में इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। सारे पेड़ हरे भरे और बीच में जो नदी जा रही है उसके पानी की कलकलाहट बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है जब आप यहाँ पे वॉक करने आते हैं, शाम को एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें। डाउनटाउन के करीब होने के कारण बहुत सारे लोग आफ्टर ऑफिस सीधा यहाँ आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। आप भी आएँ अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ।